गुड मॉर्निंग क्लास, वी आर मीटिंग अगेन विद अ वेरी न्यू टॉपिक दैट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड दैट वी हैव टू स्टडी टुडे. सी व्हाट आई हैव मेड एज वी हैव टू मैग्नेट, टू बार मैग्नेट्स. एक का नॉर्थ पोल हमने इधर साइड रखा हुआ है, फिर हमने साउथ पोल को इधर साइड रखा हुआ है. मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमेशा नॉर्थ से साउथ को काटते हुए निकलती हैं, बिल्कुल ऐसे. ठीक है, जैसा भाई ऑरेंज कलर का मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऑलरेडी बना दिया है. उसके अंदर क्या हुआ था, दोनों के बीच में, नॉर्थ साउथ पोल के बीच में एक कॉइल हमने रख दी थी, जो कि थोड़ा स्क्वायर टाइप का, रेक्टेंगुलर टाइप का हमने कॉइल बना रखा है. उसमें करंट दौड़ रही है आई, जैसा कि आप देख पा रहे हो इस तरीके से. ओके, ऐसा है ये कॉइल की इसकी जो लेंथ है ये हमने एल ले रखी है, और जो ब्रेड्थ है इसकी हमने बी ले रखी है. ठीक है, अभी हमने इस और ये जो रेड कलर का बीच में एक लाइन दिख रही है लंबी सी, दैट इज इसकी एक्सिस. क्योंकि इस पर टॉर्क लगेगा तो ऑब्वियसली आप जानते हो कि टॉर्क जब लगता है तो चीज घूम जाती है, तो जैसे घूमेगी तो किसी एक्सिस पे घूमती है. ओके, तो अब हमें पता है जब टॉर्क निकालना होता है ना तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के हम बाद में आते हैं, पहले इस फिगर को समझते हैं. फिगर ये क्या कह रहा था, आपका कॉइल है, पी क्यू आर एस एक कॉइल है. ठीक है, जो कि हमारा जो है इस तरीके से रखा हुआ है. अब हम हर एक एक लेंथ पे देखेंगे कि हमारी फोर्स किधर को एक्ट कर रही है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पी एस और क्यू आर को देखें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा करके, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारा जो फोर्स है ना, जो पी एस वाला ये जो लाइन, एक पी एस है दिस वन, ये पी एस, और जो क्यू आर में लग रहा है जो फोर्स, क्यू आर पे जो फोर्स लग रहा है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है. तो इस पे हम नहीं जाते हैं. रोटेट जो करेगा वो कैसे करेगा, यानी कि पी क्यू और आर एस ये आपका क्या करेगा, घूमेगा. ठीक है, इसके अलोंग घूमेगा एक्सिस, जैसे है ना एक्सिस के अलोंग घूमेगा गोल गोल. तो देखो फोर्स किस तरीके से निकल रहा है ये मैं बताता हूँ. फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करो, अगर पी क्यू को कंसीडर करो, ठीक है, आप अपनी लेफ्ट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड का यूज करो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स है, आपके करंट की डायरेक्शन फिक्स है, तो आप क्या निकाल सकते हो, आप फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हो क्या. तो ये वाली जो पी क्यू वाली जो हमारी जो वायर है या कंडक्टर है, जो पी क्यू वाला लेंथ है, ये किधर को जाएगा, इसकी फोर्स जो है मैंने रेड एरो से ऑलरेडी दिखा दिया है, फोर्स की डायरेक्शन उधर को होगी. नाउ इसी तरीके से जब हम यहाँ पे आएंगे आर एस में, आर एस में हमें फोर्स की डायरेक्शन कुछ इधर साइड की मिल जाएगी. ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने एरो से दिखा रखा है. अगर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को लगाओगे तो आपको इजिली डायरेक्शन मिल जाएगी. ओके, तो ये जो कॉइल रखी है ना, ये 2D में नहीं रखी है, 3D रखी है, इसीलिए मैंने इसका टॉप व्यू भी बनाया हुआ है नीचे. ठीक है, आप नीचे आ जाओ, ये तो हमने समझ लिया ऊपर वाला. तो अगर हम इसको टॉप से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, ये जो कॉइल है, ये हमें जो क्यू आर लेंथ थी ऊपर, क्यू आर लेंथ दिख रही है, ये हमें इस तरीके से दिखेगी अगर हम टॉप से देखेंगे तो. ठीक है, अच्छा एक्चुअली में हमको ये जो पी क्यू आर है ना, इसको हमको एक सीधी लाइन बनानी चाहिए थी, बट हमने नहीं बनाई. क्यों, क्योंकि अभी जब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने को सोचेंगे ना टॉर्क के लिए, जो हमें यूज करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसमें हमें आ जाएगी प्रॉब्लम. इसी वजह से हमको थोड़ा सा टिल्ट करके इसको इस तरीके से क्यू आर को थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा रख के बनाना पड़ा. अच्छा क्यू आर पी क्यू आर एस एक लूप है ना, तो एक लूप को समझ लो एक प्लेन में रखा हुआ है, और उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकाल दो, उसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर. जैसे कि ये ब्लू वाला एरिया वेक्टर मैंने निकाल के रखा हुआ है, देखो. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एन एरिया वेक्टर, ये एक एरिया वेक्टर है. ठीक है, एरिया वेक्टर क्या होता है, कोई भी एक पेज लो, पेज में से परपेंडिकुलर बाहरी तरफ एक लाइन निकाल दो कोई भी. ठीक है, कोई भी एक प्लेन एक्स वाई प्लेन जेड वाई प्लेन, उसके परपेंडिकुलरली अगर बाहर एक परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल दो तो दैट इज नोन एज द एरिया वेक्टर. ओके, वो नॉर्मल होता है, नॉर्मल आप जानते हो क्या मतलब होता है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर. ओके, सो ये हमारा यहाँ पे नॉर्थ से साउथ, सिमिलरली ऊपर जैसा था वैसे भी यहाँ पे भी है. अब यहाँ पे देखो पी क्यू में करंट नीचे से ऊपर आ रही थी, तो हमने आई अपवर्ड लिख दिया यहाँ पे क्यू की तरफ, क्यू की तरफ करंट आ रही तो आई अपवर्ड, यानी कि करंट ऊपर आ रही क्यू की तरफ. और आर में करंट आर से एस की तरफ जा रही थी तो आई डाउनवर्ड्स लिख दिया मैंने, करंट नीचे जा रही है. ओके, अब यहाँ पे जब हमने इसको ऑब्वियसली आप इसको ऐसे देख रहे थे, ठीक है, इसको हम 2D में देख रहे थे, बट है ये 3D, 3-dimensional फिगर. तो अब हम इसको जब ऊपर से देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके दिखेगा, एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, Q वाला ऊपर की तरफ लग रहा है, एंड जो R की तरफ फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है. तो अब ऊपर से कोई खींचेगा, नीचे कोई खींचेगा, क्या होगा, चीज घूम जाएगी एक एक्सिस पे, इसकी एक्सिस बिल्कुल मिडिल पे है. ओके, ठीक है, तो एरिया वेक्टर मैंने बिल्कुल मिड पॉइंट पे निकाल लिया है, और मैग्नेटिक फील्ड से एरिया वेक्टर कितना एंगल बना रही है, ये ऑरेंज वाली जो लाइन है ना ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो ब्लू वाली लाइन है ये एरिया वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है, थीटा. ओके, अब देखो, अब यहाँ पे जब हम
ये सब अगर समझ में आ गया ना, उसके बाद हम आते हैं इस पे। जब हम यहाँ पे टॉर्क निकालने की कोशिश करेंगे ना, तो हमारे जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क हमारा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, इस चीज को हमेशा याद रखना, जो हमारा टॉर्क होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स। देखो अब मैं बताता हूँ, पहले हम लिख लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स मल्टीप्लाई बाय, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिस्टेंस। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से आया बेटा, ये रोटेशनल मैकेनिक्स का पार्ट है। वहाँ पे जब टॉर्क निकालना, कोई भी मतलब टॉर्क कहीं भी लगता है ना, तो ज़्यादातर हम केसेस में क्या देख रहे थे कि फोर्स जब दो तरीके से एक्ट करता है उसको हम बोलते हैं कपल फोर्सेस, तो ये कपल फोर्सेस कहलाते हैं। और कपल फोर्सेस क्या प्रोड्यूस करता है, टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ओके, सो उन दोनों कपल फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये दोनों फोर्स एक दूसरे के पैरेलल है, जैसा कि आप देख पा रहे होगे। अगर हम क्यूब पे जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है उसको अगर हम नीचे प्रोड्यूस कर ले हल्का सा, और ये जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है उसको हम ऊपर प्रोड्यूस कर ले, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं होगी, तो ये दोनों आपस लाइन पैरेलल है। अब इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी वो हमारी कौन सी आएगी, ओ आर। देखो मैंने ओ आर ऑलरेडी बना रखी है, यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे ओ आर, ये वाली जो लेंथ है दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो हमें फोर्स निकाल लेंगे, हम फोर्स कहाँ से निकालेंगे, ऑब्वियसली फोर्स कहाँ से निकालेंगे हम, बी आई एल साइन थीटा से। ठीक है, अब यहाँ पे हम थीटा वर्ड यूज करें तो वो बी आई एल साइन थीटा वो अलग थीटा है, यहाँ पे जो थीटा है ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच बनने वाला थीटा है, इस चीज को ध्यान रखना। तो वहां पे हम बी एल साइन थीटा, देखो एक चीज ध्यान रखना, ये चीज कि जो बी आई एल साइन थीटा था ना, वहां पे जो आई और एल बी सॉरी मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच का एंगल था, तो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच के एंगल की बात करेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच का एंगल पता है कितना आएगा आपको, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ का जो हमारा एंगल है वो आता है 90 डिग्री। अब आप पूछोगे सर ये तो टेढ़ा रखा हुआ है, हमें तो नहीं दिख रहा। बेटा हमने टेढ़ा इसको जानबूझ कर रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है टेढ़ा इसको, ताकि हमको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल पाए टॉर्क वाली, समझ में आ रहा है। अगर हम इसको टेढ़ा ना रखते, बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन एक बना देते क्यू आर को, तो हम ये ट्रायंगल नहीं फॉर्म कर पाते, जो क्यू ओ आर ट्रायंगल बना हुआ है हम वो ट्रायंगल नहीं बना पाते, इसी वजह से हमने इस तरीके से इसको रखा हुआ है। बट एक्चुअली में क्या हो रहा है, जो आपका लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है, इस वजह से वो जो साइन 90 है वो 1 हो जा रहा है। ठीक है, वहां पे काम खत्म, हमारा फोर्स क्या हो गया बी आई एल। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आते हैं। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में आने के लिए ना हमें सबसे जरूरी चीज ये जाननी होगी कि हम एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे इस ट्राइंगल का। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारी एंगल है, अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये तो 90 डिग्री हमारी एंगल है। ठीक है, ये तो 90 डिग्री, ये तो पूरा क्लियर है। अब देखो बेटा, अगर फॉर एग्जांपल ये क्या है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है। ओके, मैंने पहले ही बताया, तो ये जो क्यू आर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर ये एरिया वेक्टर और इसके मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है, नहीं का दिस विल बी 90 माइनस थीटा ना, ऑब्वियसली ये जो ये वाला एंगल हमारा बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच का नीचे का एंगल वो 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो हमने अगर इस एंगल को थीटा माना हुआ है तो बचा हुआ एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 90 माइनस थीटा हम यहाँ पे लिख देते हैं, थीटा का मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, टीएच से आपको समझ में आ जाएगा कि किसकी बात हो रही है, थीटा की है। ओके, अब देखो अब ये तो हमारा थीटा हो गया, नाउ दैट वी हैव, अब यहाँ पे ये 90, खुद ये दो लाइन अगर मैं इस ऊपर वाले मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ, जो ऑरेंज वाली सबसे ऊपर वाली मैग्नेटिक फील्ड है, और नीचे वाले ओ आर की लेंथ की मैं बात करूँ, तो क्या ये ओ आर ऊपर वाले मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल नहीं है? और जब भी कोई दो लाइन पैरेलल होती है, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, जब भी कोई दो लाइन आपस में पैरेलल होती है, ठीक है, और एक कोई ऐसे लाइन उसको काट के जा रही होती है, तो बताओ क्या हमारा ये वाला एंगल इसके बराबर नहीं होता? अब हमारा जो ये वाला एंगल होता है वो इसके बराबर होता है ना, होता है कि नहीं होता? इसको कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, सो और ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, ये और ये आपस में वर्टिकली अपोजिट है, और ये आपस में क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है।
ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं उसको, तो इसको मिटाते हैं। ये तो पुराना कॉन्सेप्ट था हमारे क्लास 8th 7th में, ये चीज़ पढ़ लेते हो आप लोग। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो आपका जो ये वाला एंगल होगा ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, दिस एंगल ये भी हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये भी एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, 90 माइनस th मींस थीटा, सो ये एंगल भी हमारा 90 माइनस थीटा हो गया है। इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं तो प्रॉब्लम करेगा, इसको हम यहाँ ले आते हैं। ठीक है, 90 माइनस थीटा ये एंगल, समझ जाओ ना। अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है और ये एंगल 90 है तो बचा हुआ एंगल क्या होगा बताओ, बचा हुआ एंगल क्या होगा हमारा, बचा हुआ एंगल थीटा हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल, ये जो एंगल है हमारा, ये क्या बन गया, ये हमारा थीटा बन गया, क्या बन गया, ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया थीटा। ओके, तो अगर इतनी चीज क्लियर होगी ना तुम लोग को, केवल और केवल साइन थीटा लगाना है यहाँ पे, परपेंडिकुलर लेंथ लाने के लिए, हाइट्स एंड डिस्टेंस जो क्लास 10th में पढ़ा था केवल वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। फिजिक्स यहाँ पे ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स बची थी डेरिवेशन के लिए, फिजिक्स सिर्फ इतनी थी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ये कलर किधर, लेफ्ट हैंड रूल हमने लगा लिया, वहां से फिजिक्स खत्म, बाकी सारा मैग्नेट हमारे मैथमेटिक्स का खेल है। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, फोर्स हमारा होता है बी आई एल, तो हम यहाँ लिख दें क्या, बी आई एल, बी इंटू आई इंटू एल, ओके, ये इन ट्रायंगल क्यू ओ आर, इन ट्रायंगल क्यू ओ आर, अगर हम ट्रायंगल क्यू ओ आर की बात करें तो उसमें अगर हम साइन थीटा लगाएंगे, साइन थीटा विल बी इक्वल टू, साइन थीटा किसके बराबर होगा, ब्रैकेट लगा देता हूँ, दिस साइन थीटा ओ आर विल बी इक्वल टू क्यू आर साइन थीटा, ओके, क्यू आर साइन थीटा हो गया ये हमारा। उसके बाद हमारे पास क्या है, क्या है देखा जाए, क्यू आर साइन थीटा हो गया, क्यू आर किसके बराबर है हमारा, क्यू आर है हमारे बी के बराबर, तो बी लिख देते हैं यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग जो हमने लिया है, बी साइन थीटा, बी साइन, अच्छा साइन थीटा अभी हमने साइन थीटा लिख देते हैं, साइन थीटा, कि हम लेंथ किसकी ले रहे थे, हम लेंथ ले, यहाँ पे फोर्स किस पे लग रहा था, क्यू पी पे लग रहा था ना, तो क्यू पी की लेंथ कितनी है, एल है, तो दिस विल बी इक्वल टू आपका बी आई एल इंटू ओ आर, ओ आर हमारा क्या है, बी साइन थीटा, तो उसको हम एक्सप्रेशन में रख देते हैं, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, कैपिटल बी आई एल बी साइन थीटा, ठीक है, ये साइन थीटा के बराबर हो गया। देन इक्वेशन वन एंड टू से अगर हम इस चीज को रख दें तो बी आई एल बी साइन थीटा हो गया, एल इंटू बी क्या होता है आप लोग को पता ही है, एल इंटू बी होता है हमारा एरिया, तो हम लिख देते हैं बी आई ए एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है, तो हमने डायरेक्ट एरिया लिख दिया, ए इंटू साइन थीटा, इज इट क्लियर, साइन थीटा हो गया ये। एंड उसके बाद जो हमारा बचा वो है बी आई ए साइन थीटा, ये हमारा टॉर्क आ गया, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज टॉर्क, टॉर्क, टॉर्क को हम टाओ से डिनोट करते हैं, यहाँ पे हम टाओ नहीं लिख पाएंगे, तो आप लोग टाओ का साइन तो जानते हो कैसा होता है, जैसे हिंदी में टा को लिखते हैं वैसे उस टाइप का होता है टाओ, ठीक है, ग्रीक वर्ड है, ओके, तो उसको लिख दिया हमने। नाउ अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स अगर कैपिटल एन, ये तो एक उसके लिए आया, ठीक है, एक कॉइल के लिए, अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन हो गए तो आप कैपिटल एन इंक्रीज कर दोगे, ठीक है, इफ इफ देयर आर एन नंबर ऑफ कॉइल देन टॉर्क विल बी, टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा एन, कैपिटल एन बी आई ए साइन थीटा, इज इट क्लियर, तो ये है हमारा जो टॉर्क लगता है किस पे, हमारे कॉइल पे, जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखी होती है, इसको आप कर लो हाईलाइट, वन मिनट, इसको मैं कर लेता हूँ हाईलाइट, तो बस इसको ये चीज़ नोट कर लो, ओके, तो इसी तरीके से आगे की लेक्चर्स भी कुछ हम डालते रहेंगे।
तुम लोग देखते चलना साथ के साथ ही, पीछे मत छूटना बस, ओके? इसी हिसाब से नोट्स बनाते रहो. सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास.